और इस समय की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आज वहां दिन भर राजनीतिक सरगर्मियां चलती रहीं और इनके बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अभी से थोड़ी देर पहले राज्य में विधानसभा भंग करने के आदेश दे दिए हैं, यानी जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी गई है वहां के गवर्नर के आदेश के बाद। इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू कश्मीर में अब फिर से विधानसभा चुनाव होंगे। इससे पहले आज कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कांग्रेस ने मिलकर नई सरकार बनाने का ऐलान किया था और अब से करीब एक घंटा पहले महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तो यह सबसे बड़ी खबर है इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती की चिट्ठी है जो उन्होंने आज ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लिखी थी। आपको पहले यह पढ़कर मैं बता देता हूं कि महबूबा मुफ्ती ने क्या लिखा था आज अपनी चिट्ठी में। मेरे पास उनकी चिट्ठी है, उसमें उन्होंने लिखा है, हिज एक्सीलेंसी एसपी मलिक जी, एज यू आर अवेयर दैट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इज द लार्जेस्ट पार्टी इन द स्टेट असेंबली हैविंग अ स्ट्रेंथ ऑफ 29, यानी 29 विधायकों के साथ हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। यू माइट हैव गैदर्ड फ्रॉम मीडिया रिपोर्ट्स दैट कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस हैव आल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंड सपोर्ट टू अवर पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन द स्टेट। नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 15 एंड कांग्रेस 12, दैट मेक्स आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ टू 56। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी पार्टी के पास 29 विधायक हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 हैं और कांग्रेस के पास 12 हैं और ये दोनों पार्टियां पीडीपी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, इसलिए पीडीपी सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है इन दोनों पार्टियों की मदद से। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में जो विरोधी दल हैं, सारे के सारे विरोधी दल जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, एक साथ आ गए और उन्होंने सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। फिर महबूबा मुफ्ती लिख रही हैं कि वो इस समय श्रीनगर में हैं, इसलिए जम्मू में राज्यपाल से आज मिलना उनके लिए संभव नहीं होगा क्योंकि राज्यपाल इस समय जो सर्दियों की जो राजधानी होती है जम्मू कश्मीर की, वो जम्मू होती है। तो वो ये कह रही हैं कि मैं आपका टाइम बहुत जल्दी लूंगी और सरकार बनाने का दावा बहुत जल्द आपके सामने आकर पेश करूंगी, ऐसा महबूबा मुफ्ती ने चिट्ठी में लिखा। और इस चिट्ठी के बाद राज्यपाल ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने लिखा है, द गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री सत्यपाल मलिक हैज पास्ड एन ऑर्डर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अपॉन हिम बाय क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसॉल्विंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, और उन्होंने विधानसभा को भंग कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब जम्मू कश्मीर में दोबारा से विधानसभा चुनाव कराने ही होंगे। बीजेपी के कई नेता अंदर ही अंदर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने के बाद अपनी सरकार बनाने की कोशिश लगातार कर रहे थे। अब आपको अंक गणित समझा देते हैं। जम्मू कश्मीर में 87 सदस्यों की विधानसभा है, इसका मतलब यह है कि बहुमत के लिए 44, पीडीपी के पास 28 विधायक हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 12 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। यानी बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, पीडीपी पहली सबसे बड़ी पार्टी है। और आपको बता दें कि पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद 19 जून को इसी साल वहां पर राज्यपाल शासन लगाया गया था और तब से राज्यपाल का शासन ही वहां पर चल रहा है। लेकिन इस वक्त इसके बारे में और आपको ज्यादा जानकारी देने के लिए हम आपको अपने न्यूज रूम में लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी शैलेश रंजन इस समय हमारे साथ हैं। शैलेश, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अचानक एक ही दिन में ये सब कुछ क्यों? देखिए सुधीर जी, जिस तरीके से पूरे दिन में ये घटनाक्रम चल रही थी कि किसी न किसी तरीके से बीजेपी भी सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है, ये बातें महबूबा मुफ्ती की तरफ ये बातें जा रही थी। इसकी वजह से दिन भर में जो घटनाक्रम हुए उसके बाद शाम में अब से करीब एक घंटे पहले महबूबा मुफ्ती ने ये जो ट्वीट किया उसको भी आपको देखना होगा। उन्होंने बोला कि मैं राज्यपाल को पास पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ना तो वो फ़ोन पर है ना ही फैक्स पर है, इसकी वजह से मैं ट्विटर पर ये चिट्ठी डाल रही हूँ, जो
चिट्ठी आपने पढ़ी जिसमें 56 सदस्यों के स्ट्रेंथ होने की बात उन्होंने कही थी, तो जाहिर तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे लगातार, उसमें महबूबा मुफ्ती को और उनके साथ के जो पार्टियां हैं उनको लग रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी या फिर सरकार बनाने का दावा पेश कर दे या किसी और तरह की कोई चीज़ हो जाए, इसकी वजह से वो पहले सरकार बनाने के लिए पहुँच गई। लेकिन राज्यपाल ने जो विधानसभा भंग करने की जो सिफारिश की, विधानसभा भंग की है, वो वक्त है वो उसको भी देखना होगा आपसे थोड़ी देर बाद जब ये पता चलेगा कि कितने बजे राज्यपाल ने विधानसभा भंग की और कितने बजे ये चिट्ठी लिखी गई, उससे भी बहुत सारी तकनीकी चीज़ें सामने आएंगी सुधीर जी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी ये मामला अदालतों में जाएगा उस वक्त ये बात जरूर होगा कि क्या राज्यपाल को इसका इंतजार नहीं करना चाहिए था। तो वैसे में ये भी हो सकता है कि राज्यपाल ने पहले विधानसभा भंग कर दी और उसके बाद ये चिट्ठी पहुँची हो। सुधीर जी जी शैलेश, यानी इसका मतलब ये है कि राज्यपाल ने जो विधानसभा भंग की है वो महबूबा मुफ्ती का दावा पेश करने से पहले की है या उनका दावा पेश करने के बाद की है। लेकिन राज्यपाल की मनोस्थिति क्या है, राज्यपाल क्या चाहते थे और राज्यपाल ने विधानसभा भंग क्यों की है, ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाएंगे। क्योंकि पिछले ही महीने मैंने खुद श्रीनगर जाकर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में हमने उनसे जम्मू कश्मीर की राजनीतिक अस्थिरता के पर सवाल पूछा था और तब उन्होंने क्या कहा था, आप सुनिए। ये जवाब सुनने के बाद आपको तस्वीर और भी ज़्यादा साफ दिखने लगेगी। आपको क्या लगता है, स्टेबिलिटी आएगी जब यहाँ पर एक स्थायी सरकार बने? अब आप गवर्नर्स रूल है यहाँ पर, क्या आपको कोई इस बात का चांस दिखता है कि यहाँ सरकार की बहाली हो सकती है या फिर चुनाव ही एकमात्र विकल्प है? जो मौजूदा बनावट है असेंबली की, उसमें तो कुछ नहीं दिखाई देता कि कोई पक्की सरकार बनेगी। और मैं कोई धांधली से, डिफेक्शन से सरकार बनाए जाने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं इस राय का हूँ कि चुनाव हो, और जब भी वो चुनाव हो तो लोग समझेंगे कि ये जो हम दो तीन जगह वोट दे देते हैं इससे नुकसान होता है, वो ज़रूर एक तरफ झुकेंगे और एक पक्की सरकार यहाँ आएगी। तो चुनाव के लिए आपने सोचा है सही समय क्या होगा, कब हो सकता है चुनाव? वो दिल्ली वाले सोचेंगे या इलेक्शन कमीशन सोचेगा। मेरी जिम्मेवारी है कि मैं चुनाव का माहौल दे दूँ, लॉ एंड ऑर्डर को इस स्तर पर ले आऊँ कि यहाँ चुनाव हो सकते हों। अभी हमने चुनाव कराया म्यूनिसपैलिटी का, एक एक चुनाव में यहाँ 50-50 लोग मरे हैं। एक दिन में श्रीनगर में एक इलेक्शन में 9 लोग मरे थे। ईश्वर की कृपा और लोगों का सहयोग है कि एक चिड़िया भी चार फेज के चुनाव में नहीं मरी है। कोशिश हम करेंगे पंचायत का चुनाव भी इसी तरह का हो, और अगर ये कामयाब हो गया तो ये यकीन जमेगा इलेक्शन कमीशन को और केंद्र सरकार को कि ये समय है, चुनाव हो सकते हैं। उससे पहले मैं ये भी चाहूँगा कि केंद्र सरकार बातचीत के कोई दरवाजे खुलें, एक थोड़ा सॉफ्टनिंग हो एटीट्यूड का, दोनों पार्टियों से भी बात हो। हुर्रियत अगर पाकिस्तान को एक तरफ रख सकती हो, उसकी दिक्कत यह है कि वो बिना पाकिस्तान के बाथरूम भी नहीं जाते, उनको हर चीज़ में पाकिस्तान चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की पंचायती नहीं मंजूर करेगा, पाकिस्तान अपनी जगह होगा, लेकिन यहाँ हमारे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो उनसे बातचीत करके माहौल थोड़ा और अच्छा बनेगा तो चुनाव होंगे और बढ़िया चुनाव होंगे। लेकिन अभी जो आपने चुनाव कराया उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिस्सा नहीं लिया, पीडीपी ने हिस्सा नहीं लिया, टर्नआउट बहुत ही लो रहा, 4.5% का टर्नआउट था वैली में, तो इसको आप कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सफलता इसको कहा जाएगा? देखिए, इसमें एक सफलता है, ये तो सही है कि ये जिन लोगों ने बायकॉट किया वो अनजस्ट था, लॉजिक उनका बिल्कुल गलत था, 35A का इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि 35A यही था जब 15 दिन पहले कारगिल में ये लोग चुनाव में गए थे, सारे लोग गए थे। मैं इनके घर पे भी गया, इन लोगों से बात भी की, सारी पार्टियों से बात की, और मैंने खुद ये कहा, बल्कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने 2 मीटिंग में कहा कि ये चुनाव ना दिल्ली के लिए है ना गवर्नर साहब। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसे गवर्नर ने भंग कर दिया है। और अब आपको, आपके लिए जो समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ, हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर के जो प्रभारी हैं वो हैं राम माधव, और काफ़ी समय से इस बात की कोशिशें चल रही थी कि जम्मू कश्मीर में किसी तरह बीजेपी की सरकार बन जाए। और बीजेपी की सरकार तभी बन सकती थी जब पीडीपी पार्टी में फूट पड़े, टूटे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ थोड़ी बहुत टूट फूट हो या कांग्रेस में टूट फूट हो, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 44 सीटों की ज़रूरत थी और बीजेपी के पास हैं 25 सीटें और पीडीपी के पास बीजेपी से 3 सीटें ज़्यादा यानी 28 सीटें हैं। तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति काफ़ी टाइम से चल रही थी।
इन तीनों पार्टियों को जब ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि बीजेपी तोड़ फोड़ करके इन तीनों पार्टियों से इनके विधायकों को लेकर शायद सरकार बना ले, तो उस वक्त ये तीनों पार्टियां इकट्ठी हो गईं और इन्होंने ये तय किया कि महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ये सरकार बनाने का दावा पेश कर दें। इन तीनों पार्टियों की जो सीटें हैं मिलकर होती हैं 56, ज़रूरत है 44 की, इसलिए सरकार बहुत आराम से बन जाती। लेकिन जैसे ही महबूबा मुफ्ती ने ये चिट्ठी लिखी गवर्नर को, उसके बाद या उससे पहले ये कहना मुश्किल है, लेकिन गवर्नर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग करने का फैसला ले लिया। एक और रिएक्शन हमारे पास आया है एनसीपी के नेता उमर अब्दुल्ला का। उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, मैं आपको बताता हूं क्या ट्वीट उन्होंने किया है, आपकी स्क्रीन पर आ गया, जो वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी 5 महीने से ये लगातार कहती चली आ रही है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा को डिसॉल्व कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि ये एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि महबूबा मुफ्ती ने जैसे ही सरकार बनाने का दावा पेश किया, उसके मिनटों के अंदर ही गवर्नर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग करने का फैसला ले लिया। इस पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि ये टाइमिंग जो है बहुत दिलचस्प है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर राजभवन को तुरंत एक नई फैक्स मशीन चाहिए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ये फैक्स भेजने की कोशिश उन्हें कर रही थी और फैक्स वहां पर जा नहीं रहा था और आखिरकार उन्हें ट्वीट करना पड़ा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा भंग कर दी गई है और जैसे जैसे यहां पर और हमारे पास ताजा खबर आती रहेगी, हम आपको लगातार अपडेट इसके बारे में देते रहेंगे। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का जो स्वरूप है इस समय वो आप देख सकते हैं, हालांकि अब विधानसभा भंग कर दी गई है। हो सकता है कि इनमें से कुछ नेता अब अदालत चले जाएं और अदालत से ये मांग करें कि अदालत इस पर रोक लगाए और इन तीनों पार्टियों के यानी पीडीपी, नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार बनाने का रास्ता साफ करें। हो सकता है ये मामला अब कोर्ट में चला जाए।